So hi, good evening to all. Welcome. And good evening, sir. Good evening. Today we have you know come to the last class, last lesson of our <coughs> ongoing KP astrology course, which started on tenth of May, if I remember correctly. Tenth of May, so May, June, July, August, September. Yeah, the ye fifth one Kareep -kareep five क्लासेस हमारे 28 या 29 शायद हो 28 या 29 लैंड यही होता है हमारा दिस पूरा हमारा जो कोर्स कंटेंट है दिस इज 28 और 29 लेसंस एंड होपफुली एज आई टोल्ड यू आई हैव कवर्ड एवरीथिंग दैट देयर इज टू बी कवर्ड इन केपी एक्सेप्ट जैसा कि अभी मैं बता रहा था कुछ किताबी बातें हैं जो कि आई डोंट आई डोंट आई शुड नॉट से आई डोंट वेस्ट माय टाइम ऑन लेकिन जैसा अभी मैंने बताया कि प्लैनेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या साइन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ठीक है ये किताबों में बहुत कुछ है ये as, ये ये मैं आपको पढ़ा नहीं सकता हूँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली कोई बात नहीं है देर आर सर्टन थिंग्स जो आप उठा करके एज एन एस्ट्रोलॉजर वैसे भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ना जब कोई भी शुरू करता है ना तो इनिशियल की इनिशियल बुक्स जो होती हैं उसमें ये सारा कुछ मिलता है तो दैट इज यू नो दैट इज लेफ्ट टू यू और धीरे धीरे विथ एक्सपीरियंस आपको समझ में आ जाएगा ठीक है सन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सन से कोई इन्फ्लुएंस्ड है लियो वाला है तो उसका कैसा कैरेक्टर होगा मून का कैसा होगा मून वाला है अगर ठीक है कैंसर साइन वाला है तो कैसा होगा मून के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मार्स कैसा होता है राहु कैसा होता है ये सब वी ऑल नो और ये किताबों में मिलेगा कौन सा कौन सा जोडियक्साइन क्या रिप्रेजेंट करता है वो हम लोगों ने पढ़ा है एंड ऑब्वियसली जब हम इवेंट्स को डिस्कस करते हैं तो वी डिस्कस एवरी साइन किससे क्या देखा जाता है या तो इसलिए उसको अलग से पढ़ाने की कोई जरूरत हमारे इफ आई वॉन्टेड आई कुड है टर्म आई कुंड एंगेज तीन चार दिन में लगा देता उसमें और वो गिनती में आ जाता है तो आई डोंट वांट टू डू दैट तीन चार दिन मैं आपको नोट्स अच्छे से बड़े बढ़िया आज मैंने वो वो सारे वो भेज दिए हैं ठीक है I have sent all the थे। थे। भाई सबको सब सबको मिल गया होगा या। आ, उसका प्रिंट आउट आप लोग निकलवा लीजिएगा ठीक है वो अगर उसको ठीक से आप लगा लेंगे तो वो एक छोटी मोटी किताब टाइप का ही हो जाएगा ठीक है तो आपके रेफरेंस के लिए अच्छा रहेगा आज का टॉपिक जो है सी मेजर्स ठीक है ज्योतिष में जिसको उपाय हम हिंदी में बोलते हैं तो देखिए अगर आप कृष्ण मूर्ति जी की किताबों को आप अगर आप पढ़ेंगे या के पी पढ़ेंगी तो के पी एस सच में तो अलग से कृष्ण मूर्ति जी ने रेमेडियल मेजर्स पे कभी भी तवज्जो नहीं दिया कहीं कहीं बीच बीच में उनका कहीं आता है रेमेडियल मेजर्स वो भी उनके रेमेडियल मेजर्स दूसरे ही टाइप के हैं ठीक है ना वो मेनली कहीं बोलते हैं गणेशा की आप ब्रास का आइडल बनवा लीजिए उसको रखिए उसकी पूजा कीजिए वो एक दो जगह टू रेमेडियल मेजर्स रेमेडियल मेजर्स पर उनका कोई तवज्जो नहीं है और ना ही उन्होंने कहीं कुछ लिखा है अलग से जैसे हमारे वैदिक ज्योतिष में होता है बट अभी जो हम पढ़ेंगे रेमेडियल मेजर्स इसमें आपको ऑल ऑफ यू नो आई थिंक वेदिक और एटलीस्ट कुछ वेदिक आप लोगों को आता है मैं वेदिक का भी एक मैंने अपने वेदिक का राइटअप लिया हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए तो थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं दूंगा कि रेमेडियल मेजर्स एक्चुअली रेमेडियल मेजर्स होते क्या हैं लेट अंडरस्टैंड व्हाट रेमेडियल मेजर्स आर सपोज टू बी रेमेडियल मेजर्स क्या होते हैं क्यों हमें करना जरूरी है और कितना फायदा होता है तो आप ये समझ जाओ कि हमारे ऐसे एस, हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है है ना हमारे स्क्रिप्चर्स में हमारे हमारे हिंदू हिंदू माइथोलॉजी में हमारे यहाँ मान्यता ये है कि जो हमारा ये बर्थ चार्ट है जो हॉरोस्कोप है हॉरोस्कोप जो है वो हमने जो अपने पास्ट लाइफ में पिछले जन्म या जन्मों में जो कर्म किए हैं कर्म किए हैं मतलब अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं उनका ये रिपोर्ट कार्ड है इस इस जन्म में भी जो हम इस लाइफ में भी जो हम इसको यूं समझिए इस लाइफ में भी जो हम कर्म कर रहे हैं कर्म मतलब जो हम काम कर रहे हैं यू नो बुरे काम या अच्छे काम बुरे काम कर रहे हैं अच्छे काम कर रहे हैं अच्छे काम दोनों का रिजल्ट हमें कुछ इस लाइफ में मिलता है और कुछ इस लाइफ में नहीं मिलता है नहीं मिल पाता है स्पेशली हमारे बुरे कर्मों का तो वो कैरी ओवर हो जाता है हमारे नेक्स्ट लाइफ में एंड वी आर बोर्न विद यू नो सर्टेन स्टार्स प्लेस्ड एट सर्टन प्लेसिस विच इज कॉल्ड आर हॉरोस्कोप तो वो एक हम डेस्टिनी लेकर के आते हैं जो कि हमारे पिछले जन्म के कर्मों की रिपोर्ट कार्ड है इफ यू आर बॉर्न विद अ बैड सैड यू नो ट्रेजिक डेस्टिनी इसका मतलब हमने पिछले जन्म में या पिछले जन्मों में कुछ ऐसे पाप किए हैं जिनका जिनको हमें भुगतना भी रह गया है हम उसको और और जो हमारी डेस्टिनी खराब डेस्टिनी अगर लिखी हुई है तो वो हमारे पिछले जन्म के हमारे बुरे कर्मों का फल है एंड इफ यू आर ब्लेस्ड विद अ गुड लाइफ दैट मीन्स आर पास लाइफ और लाइफ्स अच्छा गया हमने अच्छे काम किए हैं अच्छे काम किए इसीलिए वी आर ब्लेस्ड विद अ गुड लाइफ गुड लाइफ गुड हॉरोस्कोप या लाइफ इन दिस इन दिस प्रेजेंट लाइफ तो क्या होता है कि अभी तो हमें काम करना है हमें अच्छे कर्म कर्म करने हैं उसके हमें अच्छे फल मिलेंगे लेकिन जो हमने पिछले जन्म में कर्म नहीं किए तो उनके लिए हमको जैसे क्रिश्चियंस में बोलते हैं ना इंग्लिश में बोलते हैं पेनेंस हमें उसके लिए कुछ जो है त्याग करना पड़ेगा पेनेंस देना पड़ेगा तो ये जो रेमेडियल मेजर्स होते हैं ना ये पेनेंस हैं। ये क्यों क्यों बोला जाता है कि आपका अगर छठा भाव या बारहवा भाव जो है खराब है अगर उसका आपके हॉरोस्कोप में वो कॉम्बिनेशन में केपी हो या वेदिक हो आपका बारहवें घर का आपको फल जो है वो आपको सता रहा है बारहवा घर नो, बहुत पैसे का नुकसान हो रहा है हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है तो क्यों बोलते हैं कि आप बोलते हैं ना दान कीजिए हॉस्पिटल में जाइए वहां सेवा दीजिए तो ये क्या है ये हमारे कर्मों को काटेगा तो उससे हमारे बारहवें घर के बारहवें घर की जो सफ़रिंग्स हैं वो मिटिगेट होंगी इसी प्रकार से हॉस्पिटल अगर हम नहीं भी जाते हैं तो किसी बीमार आदमी को अगर हम हेल्प करते हैं जैसे भी जो उपाय हम पढ़ेंगे उपाय जो मैं बताऊंगा जैसे लिखते हैं ना कि गरीबों की मदद कीजिए गरीबों की लाचारों के बीमारी बीमारों की लेपर कॉलोनी में जाइए पहले जमाने में पीछे जमाने में अभी तो लेप्रसी का उतना वो है नहीं लेकिन ये उपाय तो चले आ रहे हैं ना तो ये मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में है कि किसी भी आप बीमार आदमी को हेल्प कर दीजिए क्यों लिखा हुआ है कि लेपर कॉलोनी में जा करके आप उनकी मदद कीजिए क्यों लिखा हुआ है कि नीडी ओल्ड नीडी पर्सन की मदद कीजिए क्या होता है ये ओल्ड नीडी बीमार है तो हम जो बोलते हैं ना आजकल बोलते हैं हॉस्पिटल में जाओ वहां पर हॉस्पिटल में जाकर सेवा करके आ जाओ तो तुम्हारा या हॉस्पिटल में बोलते हैं जा के वहां कुछ काम कर लो हॉस्पिटल के पास तो ये सब ये उपाय ही होते हैं सिक्स हाउस और ट्वेल्थ हाउस दोनों सिक्स हाउस किस चीज का है बीमारी का है तो दोनों कनेक्टेड हैं तो ये जो दान पुण्य चैरिटी होती है गरीबों की मदद कीजिए नीडी लोगों की मदद कीजिए ह्यूमन काइंड एंड एनिमल काइंड दोनों की मदद कीजिए हेल्प कीजिए चैरिटी कीजिए तो आपके कर्म कटेंगे और ये बड़े सिंपल उपाय लगते हैं सुनने में जैसे आप देखेंगे जो ये उपाय आ रहे हैं आएंगे प्लैनेट वाइज या राशि वाइज ये और देखिए उपाय आप कोई भारी वाला उपाय करें लाल किताब से उठा करके आई एम नॉट हम लालपिता आपको कुछ मैं नहीं कह रहा हूँ तो कहीं आपको कोई कहे कि एकदम सुबह बजे जा करके जो है बहते हुए बहते हुए पानी में नारियल आप, आप को प्रवाह करके चले आइए वो कीजिए या उसका कोई सब्सिट्यूट हो जो सिंपल आप आसानी से कर, दोनों बराबर काम करते हैं ये तो डिफिकल्ट उपाय बताना पंडितों का एक जो है ना वो पंडितों का आपको तो मालूम है क्या होता है ना वो पंडितों का आई कैसे आई डोंट नो हाउ टू पुट इट वो पैसा वसूलने आपको ठगने वाली बात होती है बिजनेस है बिजनेस हाँ तो उपाय सिंपल उपाय जो हैं आपको सुनने में लगेगा कि बहुत सिंपल है बर्ड्स के लिए पानी रख दो बर्ड्स के लिए स्वीट्स आप डाल दीजिए ठीक है कौवों को फीड कीजिए उसका बड़े हमारे हिंदू माइथोलॉजी में कौवा जो है ये हमारे जो है ये ये पुरखों के वो रिप्रेजेंटेटिव है वो बोलते हैं कि अगर आपके पूर्वजों की आत्मा की को शांति नहीं मिली है तो आप क्रोज को फीड कीजिए क्रोज को फीड कीजिए बर्ड्स को फीड कीजिए डॉग कुत्ता केतु का उपाय है फीड कीजिए स्ट्रीट डॉग्स को तो ये सब ये सब बड़े काम के उपाय होते हैं सुनने में आपको हंसी भी आएगी बट दे एक्चुअली वर्क ठीक है दूसरा फिर जो है अंगूठी हैं, पेंडेंट्स हैं, प्लैनेट्स के मिस्टिकल नंबर्स हैं तो ये आजकल आप आप जो सुनते होंगे वीडियोस में सुनते होंगे ना कि यूटिलाइजेशन ऑफ हाउसेस, यूटिलाइजेशन ऑफ हाउसेस क्या है वही जो अभी हमने बात किया सिक्स हाउस एट हाउस ट्वेल्थ हाउस तीनों हाउसेस को कैसे यूटिलाइज करना है मतलब उनके जो बुरे इफेक्ट है उसको कैसे हम नलीफाई करेंगे उन्हीं का काम कर करके उनका दान करके या उनका काम करके और दान से बढ़ के कोई उपाय नहीं है सेवा से बढ़ के कोई उपाय नहीं है सेवा नीडी पर्सन की सेवा आप 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 प्लैनेट्स को प्लकेट कीजिए शनि का आप दान कीजिए ठीक है किसी भी प्लेनेट का दान कीजिए मार्स का दान कीजिए वो अपनी जगह है लेकिन जो हमारे सामने जीते जागते लोग हैं और जो पशु पक्षी हैं इंसान है सबसे बड़ा दान और सबसे बड़ा महा उपाय उनकी मदद होती है एंड इट रियली वर्क अब आप हजारों लाखों का वो आप जेमस्टोन्स बता दीजिए पहन ले लोग काम करता है बट इट इज नॉट दैट की सिंपल उपाय सिंपल उपाय बर्ड्स को फीड करना या बर्ड्स को पानी गर्मी में देना उससे ज्यादा ये जेम काम करेंगे नहीं ऐसा नहीं है और आस्था के साथ करना है उपाय और बताना भी है आस्था के साथ और किसी को भी उपाय पैसे कमाने के लिए आप मत कीजिए अगर पैसे कमाने के लिए आप उपाय करेंगे तो फिर आपके उपाय लगेंगे नहीं जिसको आप बता रहे हैं प्लीज नोट मैं भी अगर किसी को कोई पेंडेंट है पेंडेंट ये पेंडेंट ये है जैसे मैंने पहन रखा है, पेंडेंट, ये मिस्टिकल का पेंडेंट होता है मैं भी लोगों को प्रिस्क्राइब करता हूँ लेकिन इसके पैसे जो है ना मैं रखता नहीं हूँ मैं जो चार्ज करता हूँ वो अब थोड़ा बहुत तो रखना पड़ता है तभी तो मेरा काम चलेगा ना मेरे भी मेरे भी खर्च होते हैं मेरा भी खर्चा है जो पढ़ा रहा हूँ उस पर बट इट्स अ गुड पार्ट ऑफ इट इट इज आई डोनेट इट समेर इन चैरिटी तभी जाकर के उपाय काम करते हैं ये सुनने में बड़ा वैसा लग रहा है बट ये एक्चुअली मरिकल्स तो नहीं होंगे मरिकल्स नहीं होंगे मेरिकल कभी हो भी जाता है डिपेंड करता है कि आप यू you नो know, आप हाउ uh, कितने आप सिंसियरिटी के साथ उस उपाय को एक्सेप्ट कर रहे हैं फेथ कर रहे हैं और कर्म आपके कैसे रहे कितना रह गया है कर्म का फल भरना उस पर भी डिपेंड करता हो सकता है एक छोटा सा अंश रह गया हो तो उपाय तुरंत काम कर जाएगा कई बार उपाय नहीं भी काम करते हैं जिसका कहा जाता है जिसका जुपिटर वीक होता है ज्यादा वीक होता है उसके ऊपर उपाय या तो नहीं काम करते हैं या कम काम करते हैं तो ये सब देखते हुए हम लोग जो मैं वो करता हूं पहले तो देखिए आपको वेदिक एक चीज ध्यान रखिएगा अच्छा ठीक है चलिए मैं मैं वेदिक के मैं वो शेयर करता हूं इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो इफ आर नॉट ज्वाइनिंग माई वेदिक कोर्स ये उपाय जो है सारे इसी पर बेस्ड हैं देखिए और इसको फिर मैं केपी से भी क्लब करूंगा ये स्क्रीन आपके सामने आ गई है yes, देखिए ये पंडित वी के चौधरी प्रोफेसर वी के चौधरी के सिस्टम्स अप्रोच के रिसर्च के बाद उन्होंने एक पद्धति अपने निकाली विच इज कॉल सिस्टम्स अप्रोच उसमें सिस्टम्स अप्रोच में देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल मैलिफिक्स एंड फंक्शनल बेनिफिट ठीक है नो प्लैनेट नो प्लैनेटुरचुरल नेचर ऑफ प्लान अपनी जगह है बट नो प्लैनेट जैसे केपी में भी है ना कोई भी ग्रह ना तो खराब है ना वो अच्छा है वो अपने प्लेसमेंट के हिसाब से कहां है किस नक्षत्र में है किस हाउस में है वो रिजल्ट देता है उसी तरीके से सिस्टम्स अप्रोच में एंड दिस अप्रोच रियली वर्क्स इसमें कोई भी प्लेनेट जो है ना नेचुरली मैलिफिक ना तो मैलिफिक है ना बेनिफिक है मैलिक Mal मैलिफिक का मतलब दुष्ट ग्रह और बेनिफिक का मतलब अच्छा ग्रह गुड गुड प्लेनेट वो असेंडेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो फिक्स्ड है सिस्टम्स अप्रोच में अभी मैं समझाऊंगा आप लोगों को एक क्लास में शायद नहीं समझ लेकिन ये नोट्स रखिएगा और खास करके उपाय करते समय ये ध्यान रखिएगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसको केपी के साथ कैसे क्लब करना है उस पर हम बाद में आते हैं पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं सी नाउ फंक्शनल देर आर टू टाइप्स ऑफ प्लानिट्स फंक् जैसे सैटर्न है मार्स है ठीक है ये वेदिक पाराश्री एस्ट्रोलॉजी में इनको हम क्या कहते हैं बाई नेचर सैटर्न और मार्स ये मैलिफिक्स माने जाते हैं दुष्ट ग्रह माने जाते हैं ठीक है तो ऐसा हम लोग हमारे वेदिक हम, हमारे हमारे जो अप्रोच है सिस्टम में उसमें नहीं है फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट्स एनी प्लैनेट विद इट्स मूल त्रिकोण राशि इन दिक्सथ और एथ और ट्वेल्थ हाउस ऑफ एनी हॉरोस्कोप is a functional malefic planet for that particular horoscope okay badly placed rahu and ketu are also fun functional malefics badly placed इनका अलग से डेफिनेशन नहीं है क्योंकि इनकी कोई अलग से मूल त्रिकोण राशि नहीं होती है functional benefic planets in any given horoscope all other planets besides the above functional malefic ben functional ben आर फंक्शनल बेनिफिट प्लैनेट्स जो फंक्शनल बेनिफिक किसी हाउस के किसी होरोस्कोप के लिए, लिए होगा उसको छोड़ करके और जितने प्लैनेट्स बचते हैं वो फंक्शनल बेनिफिक्स हो जाएंगे अब ये देखिए जैसे ये इसको पहले समझ लीजिए फिर हम स्टेबल पर आएंगे ये देखिए यहां एक होरोस्कोप है अब आप लोगों का मूल त्रिकोण राशि का कांसेप्ट होना चाहिए ठीक है इसमें इसको मैं पॉपुलेट करता हूं इसको मैं पॉपुलेट करता हूँ देखिए ये वन है या फिर से लिख देते हैं अच्छा देखिए ये एक हमने टॉरस लग्न की कुंडली बना दी नॉर्थ इंडियन स्टाइल में टॉरस लग्न की हमने कुंडली बना दी ठीक है तो तीन देखिए तीन तीन मैलिफिक हाउसेज माने जाते हैं इन एनी हॉरोस्कोप You know, अच्छाई भी होती है एथ में भी अच्छाई होती है ट्वेल्थ के भी अच्छे रिजल्ट नहीं अभी हम समझने के लिए खाली रेमेडियल मेजर्स एंगल से हम इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं सो इन एनी गिवन हॉरोस्कोप इन एनी गिवन हॉरोस्कोप अगर सिक्स एथ और ट्वेल्थ हाउस में कोई ऐसी राशि है जो कि मूल त्रिकोण राशि है तो उसका लॉर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर असेंडेंट हॉरोस्कोप इन एनी हॉरोस्कोप ऑफ टॉरस ये तीन घरों तीन हाउसेस की राशियां वो मेलेफिक हो जाएंगी अगर उनकी मूल त्रिकोण राशि इन तीन भावों में होगी अब टॉरस के लिए आप हमें ये बताइए सेवेंथ हाउस का लॉर्ड कौन है सेवेंथ हाउस कह रहे हैं सॉरी ये लिब्रा सिक्स हाउस का लॉर्ड कौन है Venus. Venus है Venus की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है Libra, Libra. 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 तो फंक्शनल मैलेफिक प्लानिट फॉर असेंड ऑल असेंडेंट लग्ना हॉरोस्कोप ठीक है इसको ये टेबल दिया हुआ है बाद में आप टेबल देख लीजिएगा एथ हाउस उस एस में कौन सी राशि है, कौन सी है? Sagittarius. 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 तो वीनस और ये दोनों टॉरस हॉरोस्कोप के लिए मैलिफिक प्लैनेट्स फंक्शनल मैलिफिक कहते हैं ठीक है ट्वेल्थ हाउस में कौन सी राशि है एरिस एरीज है तो इसका लॉर्ड कौन है मार्स मार्स की मूल त्रिकोण राशि कौन सी होती है एरिस ठीक है तो वीनस के लिए सिंस ऑल दीज थ्री हाउसेस दे कंसिस्ट ऑफ मूल त्रिकोणा राशिज ओके, बिकम फंक्शनल मैलिफिक्स इसको कॉन्सेप्ट को हम पहले समझ लेते हैं तम रेमेडियल मेजर्स अब इसमें देखिए हमने यहां टेबल में दिया हुआ है टॉरस असेंडेंट फंक्शनल मेलिफिक प्लान फंक्शन जूप राहु और केतु दे आर कंसिडर्ड फंक्शनल मेलिफिक्स फॉर ऑल हॉरोस्कोप उसके कुछ एक्सेप्शन हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे ठीक है

यहाँ हम कर देते हैं इसको

फोर चलिए अब हम ये अब ये सिंग लग्न लियो की ये हॉरस लियो का हॉरोस्कोप हो गया ठीक हो गया अभी देखिए आप लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द सिक्स्थ हाउस सिक्स्थ हाउस में कौन सी राशि है केप्रिकॉन केप्रिकॉन का लॉर्ड कौन है सैटन तो क्या फंक्शनल मेलिफिक हुआ लियो लग्न के लिए नहीं, नहीं? क्यों नहीं हुआ मूल त्रिकोण एक्वेरियस होती है ना सर सैटर्न तो इसीलिए सैटर्न इज नॉट अ फंक्शनल मैलेफिक फॉर लियो लगना अब हम आ जाते हैं इसमें एट्थ हाउस में एट्थ हाउस में. में कौन सी राशि है पाइसेस लॉर्ड कौन है जुपिटर क्या जुपिटर फंक्शनल मैलेफिक प्लेनेट हुआ नहीं सर नहीं मूल त्रिकोण सैजिटेरियस होता है सर जुपिटर ठीक तो, है तो ना सैटर्न हुआ ना जुपिटर हुआ अब आ जाते हैं हम ट्वेल्थ हाउस में ट्वेल्थ हाउस में देखिए कौन सी राशि है आंसर आंसर कौन है लॉर्ड इसका मून मून मूल त्रिकोण राशि है ये मून की हाँ यस मूल त्रिकोण हाँ तो फॉर लियो लगना देखिए यहाँ इसमें भी आप देखिएगा मून राहु एंड केतु दीज आर थ्री फंक्शन मैलिफिक प्लैनेट्स ठीक है जैसे टॉरस में पांच थे उसी तरह उसी तरह से लियो में लियो में तीन है ठीक है अब हम इसको भी इसको चेंज कर देते हैं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग देन ओनली आई एल बी एबल टू एक्सप्लेन द अब आ जाइए यहाँ हम इसको करते हैं तीन चार छ

अब ये बताइए आप लोग ये कौन सी लग्न है कौन सा कौन सा असेंडेंट है ये नहीं। नहीं। इसके लिए फंक्शनल मैनिफिक प्लैनेट्स कौन कौन से होंगे बिसाइड्स राहु इनके केतु सबके लिए है तो तो इसके लिए तो कोई नहीं होगा तीनों में वो नहीं है मूत्रोन राशि नहीं है सर और कोई बताइए तीनों में मूल त्रिकोण राशि नहीं है सिक्स ट्वेल्थ तीनों में नहीं ठीक है तो मिथुन लग्न के लिए ठीक है जेम जेमिनी लग्ना के लिए देर इज नो फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट बट फॉर राहु एंड केतु राहु एंड केतु इज अ डिफरेंट स्टडी राहु एंड केतु आर क्लासिफाइड एज फंक्शनल मैलिफिक्स बिकॉज उनका कोई मूल त्रिकोण राशि नहीं होती है जब आप पढ़ेंगे तो राहुल केतु आर नॉट ऑलवेज मैलिफिक्शन होते हैं ट्रांजिट में malefic, लेकिन वो अच्छा रिजल्ट भी देते हैं जैसे केपी में आपको मालूम है राहु केतु कैन गिव अल ऑफ गुड रिजल्ट तो इवन इन दिस सिस्टम अप्रोच जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हम पढ़ते हैं उसमें राहु एंड केतु को क्लासिफाई कर दिया गया है एज फंक्शनल मैलिफिक्स बट दे आर नॉट ऑलवेज फंक्शनल मैलिफिक्स नाउ आप दी रेकनर आपके लिए रहेगा कि फंक्शनल मैलिफिक किस असेंडेंट के लिए कौन कौन से प्लानिट होते हैं और बाकी फंक्शनल बेनिफिक्स होते हैं ठीक है ये अलग से फिर हमने इधर भी चार्ट दे दिया है

वो उस लग्न के नेटिव को नुकसान पहुंचाते हैं नॉट ऑलवेज बट दे आर केपेबल ऑफ इन्फ्लिक्टिंग रियल यू नो पेन टू दैट नेटिव इफ दे आर अदरवाइज उसके बहुत सारे डेफिनेशन हैं बट रेमेडियल मेजर्स में उनको हम फंक्शनल मेलफिक और फंक्शनल बेनिफिक मानते हैं क्योंकि ये क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी है कि अगर हम जब प्लैनेट्स की रेमेडीज करते हैं प्लैनेट्स की जब हम रेमेडीज करते हैं जैसे मान लीजिए कि हमने टॉरस के लिए देखा टॉरस के लिए हमने देखा कि वीनस जुपिटर एंड मार्स दे थ्री फंक्शनल देफिक्स ऊपर आप देखिए टॉरस वीनस जुपिटर मार्स तो इनकी जब हम रेमेडिड रेमेडीज करेंगे जब हम टॉरस के लिए रेमेडीज प्रिस्क्राइब करेंगे तो फंक्शनल मैलिफिक्स के हम जेमस्टोन्स कभी प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं प्लीज रिमेम्बर जेमस्टो जो है ना जैसे वीनस शुक्र के लिए के हम क्या प्रिस्क्राइब करते हैं बताइए कौन सा स्टोन होता है शुक्र के लिए डायमंड डायमंड होता है या सब्सटीट्यूट में जिरकॉन होता है तो हम एक टॉरस नेटिव को हम कभी भी डायमंड नहीं, नहीं, नहीं प्रिस्क्राइब करेंगे जुपिटर खराब है तो क्या नहीं प्रिस्क्राइब करेंगे उक्राज. पुखराज नहीं करें किसी और को भी बोलने दीजिए अदिति okay, मंगल sir. खराब है तो क्या नहीं प्रिस्क्राइब करेंगे हाँ? रेड को लाल ठीक है रूबी नहीं रूबी माणिक है रूबी अलग चीज है ठीक है आप किसी और को बोलने दीजिए प्लीज वर्गो वर्गो लग्न वालों को हम क्या क्या प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे कोई और मुझे बताए मिस्टर रमेश कैन यू टेल मी वॉट वी आर नॉट गोइंग ओके वन थिंग राहु एंड केतु के स्टोन हम लोग एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल गोमेद एंड कैटसाई वी डोंट प्रिस्क्राइब करते ही नहीं है किसी को भी नहीं मेरकुरी So, we, if it is malefic, functional malefic, we don't No, no, describe? no. I've, I've already given the functional malefic and the benefits here. Okay. So, Virgo, these are the functional malefic. What are you not going to prescribe for a Virgo ascendant? Saturn, Neil, that Neil. Neil, ka okay. That Neil. you are not. And then next. Mars is coral, like. Red coral. Red coral, yeah. We will never prescribe. And then. For sun, what do we prescribe sun i am not very sure sir ruby it is called Ruby, इट इज कॉल्ड रूबी एंड इन हिंदी वॉट इज इट कॉल्ड कोई बताए मुझे मानिक माना manik manik मानिक ठीक है थीक। तो ये तीन चीज और गोमेद और लहसुनिया ये नहीं गोमेद लहसुनिया किसी को भी नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं अच्छा क्या-क्या प्रिस्क्राइब करेंगे हम वर्गों वालों को ये देखिए ये बेनिफिक्स हैं क्या-क्या प्रिस्क्राइब हम कर सकते हैं खुली छूट के साथ कौन-कौन सा चीज हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं मोती कर सकते हैं मोती पन्ना पुखराज और डायमंड पुखराज और डायमंड कर सकते हैं मरकरी मोती हां द आईडिया इज यू नो जस्ट एसेंडेंट ए फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट्स के हम जेम को प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं पहनने के लिए क्योंकि इट इज ऑलरेडी अ फंक्शनल मेलेफिक इट इज डूइंग हार्म टू यू एंड इफ यू वेयर इट स्टोन इट विल डू मोर हार्म द स्टोन विल डू मोर हार्म ओके एंड अनदर मिथ रिगार्डिंग स्टोन वो बोलते हैं ना कि बॉडी से टच होना चाहिए बॉडी सेट टच होना चाहिए वो सब कुछ नहीं है आप रेज जो है आपके फिंगर्स के थ्रू आप जो पहनते हैं स्किन से अगर नहीं भी टच हो रहा है तो रेज शुड बी पासिंग योर बॉडी उस स्टोन का तो अब वो फायदा करता है साइज जी सॉरी क्वेश्चन पूछ रहे सर ये आपको पर्सनली ये पहन के जो आपने जैसे पहन रखे स्टोन सर आपको अपनी लाइफ में चेंजेस दिखे हैं बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इससे और मेरा आप लोगों ने मेरा हॉरोस्कोप देखा आई डोंट हैव अ वेरी गुड हॉरोस्कोप मैं तो ये इस कवच के चलते चल रहा हूँ कवच और ये स्टोन्स ये सब के चलते मैं चल रहा हूँ बहुत एंड ऑफ कोर्स आई डू अदर थिंग्स आल्सो चैरिटीज अभी उस पर आएंगे हम वो करना है ये ये जो नहीं करना है स्टोन्स जो है हमारे अपने दुष्ट ग्रह फंक्शन मैलिफिक्स के स्टोन्स नहीं पहनना है अगर आप किसी का मंत्र जाप करते हैं या चैरिटी किसी भी प्लेनेट के लिए करें वो खराब है या अच्छा है उसमें कोई नुकसान नहीं है आप पूजा पाठ करें मंत्र जाप करें दैट इज नॉट गोइंग टू डू एनी हार्म टू यू इनफैक्ट वो फायदा ही करेगा चाहे वो मेलिफिक है चाहे बेनिफिक है उस पर अभी आ रहे हैं स्टोन्स में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ओके कोई भी बॉडी में हम मेलिफिक प्लेनेट का कोई भी चीज नहीं पहनेंगे बॉडी के ऊपर हाँ धर्मेंद्र जी बताइए सर तो ये अगर फंक्शनल मेनीफिट है तो उसका रंग तो नहीं पहनेंगे बट उसके सिवा क्या क्या ध्यान रखना है वो भी थोड़ा, भी थोड़ा आ है। रहे हैं ना उसका रंग भी नहीं पहन अवॉइड करना है ठीक है जैसे मान लीजिए किसी के लिए मरकरी खराब है एरीज वालों के लिए मरकरी खराब है तो वी हैव टू अवॉइड ऑल द टाइम वी कांट स्ट्रिक्टली वी हैव टू अवॉइड ग्रीन स्पेशली अगर हम किसी काम के लिए है सपोज वी आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू ओके सो दैट डे एट लीस्ट हमें ग्रीन कपड़ा नहीं पहन के जाना है ठीक है उसका कलर जो होता है हर एक इसका प्लेनेट का कलर होता है ना जुपिटर कैंसर ठीक है हमें हमें कोशिश करना है कि अगर हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो हमें पीला कलर का कुछ नहीं धारण करके जाना है क्या धारण करके जाना है इनमें से कोई कलर चुन लीजिए आप ठीक है ये टोरस वाले हैं तो आप ग्रीन पहन करके चले जाइए इंटरव्यू देने के लिए ठीक है सैटर्न का कलर ब्लैकिश साइड में पहन करके चले जाइए ठीक है तो ये सब ध्यान देना है ये क्या अवॉइड करना है स्टोन्स अवॉइड करना है, इनके कलर्स को अवॉइड करना है ठीक है और बाकी तो फिर घर में कैसे क्या करना है वो वास्तु का पार्ट है वो अलग ब्रांच है वो कभी है, फिर जब वास्तु आप लोग ज्वाइन कीजिएगा तब मैं बताऊंगा सर आप वास्तु जानते हैं सर हाँ वास्तु जानता हूँ मैं ओके नाइस वास्तु का क्लासेस शुरू करने वाला हूँ मैं गोइंग टू स्टार्ट सर वो क्लास लेना चाहेंगे सर वास्तु के ठीक है तो घर में क्या करना है आप मेरे घर में देखते होंगे पीछे में देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रीनरी इन माय हाउस ठीक है ये इस मेरे घर का ही है सारा तो देयर लॉट ऑफ ग्रीनरी इन माय हाउस तो ये वास्तु एंगल से ही मैं सब करता हूं तो देखिए ये है ये फंक्शनल मैलिफिक वाला कॉन्सेप्ट समझ लीजिए अगर इसमें कोई confusion है तो मुझसे अभी पूछ लीजिए सर मैंने ये नोट किया sir, जो functional malefic planet का color होता है वो बहुत अट्रैक्ट करता है वही कलर ज्यादा क्लाइंट को मतलब तो वो unintentionally उसको वो favorite color हो जाता है बट वेन यू कम टू यू नो वेट फंक्शनल मैलिफिक्स हमेशा नुकसान करेंगे उनकी प्लेसमेंट उनकी डिग्री उनके बहुत सारे और डेफिनेशन है जैसे वीनस हमारे लिए फंक्शनल मैलिफिक है आई एम अटोरियन वीनस इज अ फर्स्ट ग्रेड फंक्शनल मैलिफिक फॉर मी बट इट इज माय स्ट्रांगेस्ट प्लेनेट क्योंकि अपने क्योंकि वो अपने एक तो उच्च का है अपनी प्लेसमेंट उसकी 11th हाउस में है प्लस वो ना किसी और प्लेनेट से अफेक्टेड है

तो ये को समझ लीजिए आप लोग प्लीज अच्छा है? कितना मेजरमेंट होना चाहिए सर वो भी वो कि... तो छोटा सा वो उसमें कुछ नहीं है वो ठीक है वो अभी मैं आऊंगा वो है वो उसमें भी है तो उसका मेजरमेंट वगैरह दिया हुआ है कुछ नहीं है देखिए ऐसा है ना वाइट वो सब मिथ बनाया हुआ है बड़ा जितना बड़ा स्टोन रहेगा उतनी ज्यादा रेस पास करेंगे इट इज वेरी सिंपल देखिए मेरे स्टोन सारे बड़े बड़े हैं इसमें से ओरिजिनल खाली एक दो मैंने दो दो नीलम पहन रखे हैं दोनों हाथ में ठीक है दोनों मैं दोनों लेफ्ट और राइट दोनों में नीलम एक जेनुन है और एक थोड़ा सा इमिटेशन वाला है सबसे ठीक है।, नीला है, नीला है तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप फिर अगर है तो फिर मैं चेंज करूँ फिर आगे चलू सर इससे रिलेटेड नहीं, नहीं सर वास्तु कितना इफेक्ट करता है सर आपके माइंड स्टेट को अभी छोड़ दीजिए वास्तु भी अब बुझाएंगे तो फिर डाइवर्ट हो जाएगा सर इसका इसका ट्वेल्थ हाउस दिखा बस तस्वीर आ, ले ले ये इलेवन तक आ रहा है सर आ, क्या सर ऊपर करिए सर वो ट्वेल्थ का फोटो ले लेंगे सर थोड़ा सा ऊपर करिए एक सेकंड मिटा दिया फिर सब भर देता हूँ एक मिनट रुकिए रुकिए अच्छा नीचे उसको नहीं करना तो सिर्फ अच्छा, ये तो नोट सिर्फ चार को थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए हाँ। मैंने अच्छा ये भी राइट अप भेज दूंगा अच्छा ऊपर कहा चलिए ले लीजिए बस अब ठीक है अच्छा। नीचे वाला भी ले लीजिए ये भी काम आएगा ये भी ले लीजिए कभी काम आएगा आप लोगों को सर वो पहले उसकी लेने दे चले इसकी ले लिया जी ये तो बन जाएगा चार्ट से अरे ये बन जाएगा किताबों में मिल जाएगा वी के चौधरी मिल जाएगा ठीक है देखिए और मैं बता दूं फिर अभी इस पर जब फंक्शन मैनिफिक मेनिफिक पर आया तो हम लोग मुहूर्त भी इसी हिसाब से निकालते हैं जो पंडित जी का मुहूर्त होता है उसको हम लोग नहीं मानते हैं मुहूर्त कैसे निकालते हैं वो भी चल मैं बता दूंगा वो भी ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ़ सिस्टम्स अप्रोच ऑफ़ वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं नेक्स्ट hmm. एक मिनट इसको स्टॉप शेयर चला गया राइटर पांच चला गया एक सेकंड थोड़ा सा आप लोग थोड़ा Eight minute. हाँ जी देखिए एक राइटअप आपके सामने आएगा आ गया क्या देखिए रेमेडियल मेजर्स कैन बी ब्रोकन अप इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज फॉर फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट्स अभी हमने देखा ना फंक्शनल मैलिफिक और फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट्स वो हमसे नाराज हैं वो हमसे नाराज, हम नाराज हैं हमारे हॉरोस्कोप या हमारे पिछले कर्मों के वजह से तो वो अपना दुष्प्रभाव हमारे ऊपर डाल रहे हैं मतलब तो तो उनका बैड इंफ्लुएंस है जिस जिनके चलते उनसे रिलेटेड जो इवेंट्स या जो स्पीयर्स एस्पेक्ट्स हमारे लाइफ के वो एडवर्सली अफेक्ट हो रहे हैं ठीक है वो हमको जैसे हमारी नौकरी है उसमें मान लो सैटन कारक है नौकरी का ठीक है वो बाधा डाल रहा है नौकरी में हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं दुखी हैं ठीक है या बीमारी है सिक्स हाउस सिक्स हाउस का जो सिक्स हाउस का जो कारक ग्रह है ठीक है वो हमें दुखी कर रहा है ठीक है तो ये फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट्स ये नाराज हैं तो इनका हमने आपको बताया ना कि इनकी हमें जो है ना इनकी हमें पूजा करनी है इनको खुश करना है खुश ये कैसे होंगे चैरिटी से खुश होंगे दान पुण्य करके या इनके मंत्रों का हम जाप करेंगे ठीक है मंत्रों का जाप मंत्र मैंने नहीं दिए हैं क्योंकि आपको गूगल में सर सब सभी प्लैनेट्स के मंत्र मिल जाएंगे तो आप मंत्रों का जाप करेंगे या इनकी चैरिटीज करेंगे तो ये आपको कभी नुकसान नहीं होगा इवन गुड प्लैनेट्स के अगर आप मंत्र का जाप करेंगे या फिर उनकी भी चैरिटीज करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा फायदा होगा ठीक है तो ब्रॉड टू ब्रॉड कैटेगरी फॉर फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट्स जो अभी हमने देख लिया कैसे कैटेगराइज करना है वी प्रोपिशिएट और अपीज अपीज मतलब उनको खुश करना द प्लैनेट्स बाय performing their charities, mantras, prayers, and for the functional benefit planets, we wear either the gemstone for the particular planet or a kavach pendant of mystical numbers assigned to a planet. हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी चली आ रही है, from time immemorial हमें ठीक से पता भी नहीं है and Indian astrology astrology by the way is mother and father of all all Chinese, Chinese सब, they are all off -shoot of और ये कब से हमारे scriptures में ये mystical numbers जो एस्ट्रोलॉजी किए गए हैं planets को ये कैसे किए गए हैं क्या किए गए हैं ये काम करते हैं आपको पता है कि हमारे जो पाराशरी गुरु थे और उनके भी पहले वरा मीर एसेट्रा जितने लोग थे भी झगड़ा करते हैं तो ये मिस्टिकल नंबर्स जो है ना न्यूमरॉलॉजी भी इज ऑल्सो एंड ऑफ शूट इट इज अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी साइंसेस तो मिस्टिकल नंबर्स के पेंडेंट्स होते हैं जो मैंने अभी अपने गले में दिखाए वो कुछ नहीं है इट इज अ इट इज मिस्टिकल नंबर्स ऑन अ सिल्वर प्लेट दैट आई एम वेयरिंग ठीक है तो प्रोपेशिएशन ऑफ फंक्शनल मैलिफिक प्लान कैसे करते हैं प्रोपेशिएशन ऑफ फंक्शनल मैलिफिक प्लान बहुत सिंपल उपाय हैं बट दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव मैं वो भारी भरकम उपाय नहीं बताता हूं क्योंकि एक तो करना संभव नहीं होता है और ऐसा नहीं है कि इनसे ज्यादा वो काम करते हैं जैसे सन अगर आपका हॉरोस्कोप में अगर इफ इट इज अ फंक्शनल मैगलिफिक प्लैनेट तो क्या करेंगे आप फीड काउ विथ वीट एंड जैगरी वीट यानी कि गेहूं जैगरी यानी कि गुड़ ऑन संडेज विदाउट फेल एंड एवरी डे इफ पॉसिबल रोज अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है नहीं कर सकते तो कम से कम संडे को कीजिए बहुत काम करता है <laughs> कोई कुछ बोल रहा है क्या नंबर टू सर्व योर फादर सन रिप्रेजेंट फादर ठीक है सर्व योर फादर स्पेशली अगर उन आप पर डिपेंडेंट हैं या उम्र दराज हो गए हैं वो एज एज ज्यादा हो गई है आप आपकी उनकी आवश्यकता है तो पिताजी एल्डर्स की हेल्प करना सबसे बड़ा चैरिटी होता है चैरिटीज में इसका इसकी गिनती होती है परफॉर्म सूर्य नमस्कार एवरी डे सूर्य नमस्कार करने का बाइड सूर्य नमस्कार मत कीजिए आप सूर्य भगवान को जल चढ़ा दीजिए ऑफर वॉटर टू सन एवरी डे सूर्य को जल चढ़ाने का टाइम होता है सुबह छह से साढ़े छह के बीच में सूर्य का उदय हुआ है सनराइज हुआ है चाहे नहीं हुआ है इफ यू नो दायरेक्शन एंड इवन इफ इट इज सनराइज इज नॉट टेक प्लेस तब भी आप वहाँ खड़े होकर के सूर्य भगवान के सामने जल डालिए ये सन के लिए बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है जिसका सन वीक है आप देखिए ग्रेजुअली सन के जो बैड इफेक्ट्स आपके हॉरास्कोप के थ्रू आपके ऊपर हैं वो धीरे धीरे करके वो मिटिगेट होकर के खत्म हो जाएंगे इसके अलावा भी और बहुत सारे उपाय हैं ठीक है लेकिन ये सबसे सिंपल और सरल और इफेक्टिव उपाय हैं दीज आर वेरी वेरी इफेक्टिव अपाइजेस नंबर टू चंद्रमा इफ द मून इज बैड इन योर होरोस्कोप देन फीड अ काउ विद रोटीज ऑन मंडे संडे इज फॉर सन फीड अ काउ विद रोटीज ऑन मंडे एंड इफ पॉसिबल एवरीडे रोज कर सकते हैं रोज कीजिए अदरवाइज मंडे को सर्व योर मदर मून स्टार रिप्रेजेंट्स मदर सर्व योर मदर डोनेट राइस टू बेगर्स राइस क्यों सफेद कलर का वो ये चैरिटी है सफेद कलर का वो फूड आइटम है फीड विद मिक्सचर ऑफ बॉइल्ड राइस एंड शुगर चावल उबला चावल जो हम लोग खाते हैं उसमें चीनी डाल करके गा, गाय को काउस को आप खिला सकते हैं कीप अ फ्रेश पॉट ऑफ वाटर फॉर बर्ड्स कहीं खास करके समर्स में विंटर्स में तो उतना वो नहीं पीने आएंगी लेकिन देखिए ये बर्ड्स को फीड करना है सबके पीछे जो है ना कुछ ना कुछ वो है बर्ड्स भी रिप्रेजेंट करती हैं मून को रिप्रेजेंट करती हैं इनको करने से अपीज होंगे इसके पीछे देर बुक्स यू नो बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं डेप्थ में जाइएगा तो आपको बहुत गहराई में चीजें पता चलेंगी सर ये जो फोर्थ रेमेडी है फीड ग्रोज है या काउज है फीट क्रोज सॉरी मेरी भी आंख थोड़ा सा हाँ क्रोज है क्रोज है क्रोज क्रोज काउस तो आ चुका ऊपर ना क्रोज क्रोज का बहुत महत्व है देखिए जहां क्रोज लिखा है वहां क्रोज को ही कोशिश कीजिए ऐसा नहीं कि कोई दूसरी चिड़िया खा लेगी तो काम नहीं करेगा बट क्रोज का महत्व है क्रोज हमारे पूर्वजों के जो है ना पूर्वजों के और राहु को रिप्रेजेंट करते हैं क्रोज मार्स के लिए बी पेशेंट मार्स गुस्से वाला ट है ना तो बी पेशेंट कोशिश कीजिए मेडिटेशन कीजिए ठीक है तो बोलते हैं ना वैसे भी वो मेरे दिमाग में भी आ गया मेडिटेशन कीजिए हाउस का सबसे अच्छा हाउस को शांत करने का नलीफाई करने का ट्वेल्थ हाउस के बैड इफेक्ट्स को एक उपाय है मेडिटेशन शायद मैंने कहीं लिखा नहीं होगा लेकिन मेडिटेशन कीजिए अदरवाइज आल्सो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज है मेडिटेशन मार्स के लिए बी पेशेंट हेल्प यंगर ब्रदर्स सर्वेंट्स रीड द हनुमान चालीसा एंड बजरंग डे ठीक है डू मेडिटेशन देखिए मेडिटेशन यहाँ लिखा हुआ है डू मेडिटेशन ये आपके चित्र को गुस्से को चित्र को दिल दिमाग को शांत करेगा और आपको ये मेडिकली भी आपके बॉडी को फिट रखता है फायदा पहुंचाता है और मार्स को ये मार्स के नेगेटिव इंपैक्ट को ये नलिफाई करेगा मरकरी वाटर तुलसी प्लांट इन द मॉर्निंग्स आफ्टर बाथ ये जितने भी हैं ना उपाय सब नहाने के बाद करना चाहिए जहां तक हो सके वाटर तुलसी प्लांट इन द मॉर्निंग्स आफ्टर बाथ डोनेट स्पेनेच स्पेच समझते हैं ना साग हरे रंग का मर्करी हरा रंग है ना स्पेनेच ग्रीन ग्रास टू काउस इफ पॉसिबल विजिट अ गौशाला गौशाला कहते हैं वेडनेसडे है, किसी बुधवार को जाकर के अगर मरकरी आपके आपको नुकसान पहुंचा रहा है मरकरी के चलते आप देख रहे हैं नुकसान है इफ इट इज अ फंक्शन मैलिफिक तो किसी बुधवार को वेडनेसडे को जा करके गौशाला में अपने वजन के बराबर वहां पर रहते हैं वजन करने वाले ठीक है वो आपसे पैसा लेंगे वजन के बराबर हरा चारा नॉट नेसेसरी ग्रास कोई भी ग्रीन फॉर्डर आप काउस को खिलाइए डोनेट ग्रीन पल्सेस वो आती है ना हरी मूंग वो डोनेट कर दीजिए बेगर्स को कर दीजिए किसी को भी नीडी को करना है डोनेट इन एन इन ऑर्फनेजेस help out students by donating books and any other study material. Mercury जो है students का पढ़ाई लिखाई का कारक होता है तो गरीब students को help कीजिए Jupiter most important. Jupiter तो ठीक होना बहुत जरूरी है Water a people tree in the morning. Offer bananas to beggars and crows जो लडू आता हैलो कलर का नित्य रोज करता हूँ क्योंकि मेरा मेरा जुपिटर जी प्रिटी आठवें भाव का वो है हम लोग मेरा हॉरोस्कोप आप लोगों ने देखा है और एक्सीडेंट वगैरह मेरा काफी हो चुका है तो ये मैं करता हूँ बर्ड्स को आप पी, पीले रंग कोई भी पीले रंग की मिठाई आप रोज सुबह कहीं डाल दीजिए वो अपने टाइम पे आके खा जाएंगे बी कंसिडर टू सर्वेंट नीचे आ गया मैं सॉरी सर्व योर गुरु जुपिटर गुरु है ना परसेप्टर परसेप्टर को रिप्रेजेंट करता है गुरु खुद भी गुरु कहलाता है जुपिटर सैटर्न ठीक है वॉटर अ पीपल ट्री इन द मॉर्निंग सेम एज जुपिटर परफॉर्म शनिदान ऑन सैटरडेज शनिदान आप लोगों सब को सबको पता है नहीं तो पंडित जी से पूछ लीजिएगा वो बता देंगे शनिदान कैसे किया जाता है शनिवार को हेल्प द नीडी पुअर लो कास्ट पीपल जो है सैटन रिप्रेजेंट दोअर क्लास लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी ठीक है तो उनकी मदद कीजिए शनिदान भी बेगर्स को ही दिया जाता है बी कंसिडर टू सर्वेंट्स सैटन सर्वेंट्स का कारक है सर्वेंट्स को रिप्रेजेंट करता है लोअर क्लास को राहु सर्व योर पेरेंट्स फीड स्वीट पराठा क्रोज एवरी डे इन दॉर्निंग इंपॉर्टेंट है बहुत। अगर राहु आपका खराब है चैरिटी एंड सर्विस टू लेपर्स ओके को चैरिटी केतु गिव फूड टू स्ट्रीट डॉग्स वेरी इंपॉर्टेंट डोनेट डल ब्राउन कलर्ड आइटम्स प्रे टू गणेश भगवान सर्विस टू एल्डरली पीपल एंड सेंट्स शिवाय वैसे बाकी सभी जितने भी ये मैलिफिक प्लैनेट्स आपके हॉरोस्कोप में इनके मंत्र का आप जाप करेंगे गूगल में मिल जाएगा दो तरह के मंत्र होते हैं वेदिक मंत्र एक होगा उसी प्लैनेट का या फिर तांत्रिक मंत्र होगा तांत्रिक मंत्र एक्स फास्टर ठीक है तो वेदिक मंत्र में थोड़े रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि अगर आप नॉन uh, वेजिटेरियन हैं तो वेदिक मंत्र मत कीजिए फिर आप तांत्रिक मंत्र कीजिए ठीक है ओनली डिफरेंस काम करते हैं और एक किताब है दो किताबें हैं एल आर चौधरी की किताबें हैं ठीक है एन एस्ट्रोलॉजी बाय द नेम ऑफ एल आर चौधरी इज नो मोर दो किताबें हैं उनका नाम मेरे पास तो लगी हुई है किताबे हैं किताबें एंड मंत्र एंड मंत्र मैं बता दूंगा दो किताबें हैं वो किताबें मंगवा लीजिएगा उसमें थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ उपाय हैं हर चीज के लिए और इसमें जो टाइम टेस्टेड है उसमें जो टाइम टेस्टेड है एक मिनट हाँ बोलिए अमित बोलिए मैं क्लास में हूं क्लास ले रहा हूँ एक घंटा लग जाएगा यार सर ये वाली है क्या हाँ कर लीजिए क्या प्रॉब्लम हो गया ठीक है एक घंटे बाद बताइए ठीक वो किताब एल चौधरी की है वो क्या है सीक्रेट्स ऑफ तंत्र एंड मंत्र ऐसे करके दो वॉल्यूम में है उसमें थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ उपाय हैं और उसमें जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं वो दिया हुआ है उसमें बहुत हर तरह के उपाय हैं ठीक है वो दैट इज अ कंप्लीट वो उपायों का एक तरह से जैसे लाल किताब है वो भी उपायों का एक तरह से हनुमान चाली वो हनुमान चाली से कह रहा इंसाइक्लोपीडिया है ठीक है सीक्रेट्स ऑफ यंत्र मंत्र एंड तंत्र है क्या हाँ हाँ नाम एक्टली बता दूंगा एल आर चौधरी आप सीक्रेट्स ऑफ यंत्र मंत्र एंड तंत्र बाय एल आर चौधरी हाँ बस दो वॉल्यूम में है देख लीजिएगा ठीक है अच्छा ये देखिए रेमेडियल वंश रेमेडियल मेजर्स फॉर फंक्शनल बेनिफिक्स फंक्शनल बेनिफिक्स के लिए रेमेडियल मेजर्स क्या है वेयरिंग ऑफ जेमस्टोन्स एक है तो सन के लिए मानिक रूबी स्टोन इन गोल्ड इन दी इन दी ये होता है दिस इज इन द रिंग फिंगर रिंग फिंगर रिंग फिंगर ऑन संडे ठीक है मून के लिए मोती वाइट पर इन गोल्ड और सिल्वर इन लिटिल फिंगर ऑन मंडे मार्स के लिए रेड कोरल या रेड मूंगा इन गोल्ड और सिल्वर इन इंडेक्स फिंगर ऑन ट्यूसडे मरकरी के लिए पन्ना ग्रीन एवरल्ड इन सिल्वर और गोल्ड इन द लिटिल फिंगर ऑन वेडनेसडे जुपिटर ये, येलो सफायर पोखराज इन गोल्ड इन द इंडेक्स फिंगर ऑन थर्सडे औरतें अगर पहनेंगे ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा ना ये ओबेसिटी बढ़ाता है कोई भी आप मर्द औरत और बता दिया मैंने वीनस स्मॉल डायमंड इन इन गोल्ड सिल्वर इंडेक्स फिंगर ऑन फ्राइडे व्हाइट सफायर सफेद पोखराज कैन ऑल्सो बी वोन सैटन ब्लू सफायर नीलम इन सिल्वर और स्टील इन द मिडिल फिंगर ऑन सैटरडे

the relevant stone can be worn along with the mystic numbered kavach jo ki main abhi dikhaunga theek hai iska aap substitutes bhi aate hain substitutes pe pehen lijiye jo certain stones are very very expensive like blue sapphire uh, white sapphire uh, फिर neelam, फिर yellow sapphire, पोखराज ये सब बहुत costly होते हैं Original panna भी बहुत expensive होता है माणिक सब expensive होते हैं तो इनके सब्सटीट्यूट भी आते हैं जैसे पुखराज का सब्सटीट्यूट टोपैज है वो भी पहन लीजिए है डायमंड का वो भी पहन सकते हैं तो फिर सब्सिट्यूट सब्सटीट्यूट के ऐसा ही काम करता है ठीक है ये देखिए असेंडेंट लग्नवाइज रेमिडियल मेजर्स ये मोर और लेस सबके लिए एक ही है ठीक है इसमें अलग अलग एकाद में खाली कुछ अलग होगा अदरवाइज सब के लिए एक ही है एरियज के लिए गिव सम फूड

चार सब में कॉमन है इसमें ऐसा नो बिग डील इन दिस ओके तो इसको हम दूसरा उस पर आते हैं hmm. ये देखिए ये ये प्लैनेट्स के मिस्टिकल नंबर्स हैं ठीक है प्लैनेट्स के मिस्टिकल नंबर्स हैं गिवन बिलो आर द मिस्टिकल नंबर्स विच कॉन्स्टिट्यूट कवच फॉर ईच प्लैनेट एज शोन द नंबर्स कैन बी एंग्रेव्ड ऑन अ सिल्वर प्लेट अ ब्रास में भी या किसी अलॉय पर भी करवा सकते हैं एंड वोन इन अ चेन और अ थ्रेड ऑफ द कलर परटेनिंग टू द रेलेवेंट प्लैनेट आफ्टर ड्यूली

इफ इट इज अफ्लिक्टेड बाई अ फं मेलेफिक्लान बाई कंजंक्शन और एस्पेक्ट एंड देर आर सो मेनी अदर वेज वो आप जब पढ़ेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी तभी पता चलेगा तो लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग प्लानिट भी है उसका भी पहन लेंगे तो वो नुकसान नहीं करेगा ठीक है फंक्शनल मेलेफिक्स का जेमस्टोन या ये पेंडेंट नहीं पहनना है ये पेंडेंट में पहनता हूँ खुद और लोगों को मैं बहुत ये बना करके देता हूँ ये बहुत फायदा करता है बहुत काम करता है ये ठीक है कॉम्बिनेशन में बना करके देता हूँ ये मेरा पूरे टॉरस के लिए कॉम्बिनेशन है टॉरस के जितने फंक्शनल बेनिफिट प्लैनेट्स हैं ये सब एंग्रेव्ड है दोनों साइड में इनके नजर नहीं आएगा ये ये बहुत फायदा करता है और बहुत से काम रुके हुए हो जाते हैं तो ये का अगर लॉर्ड हो तब तो भी पहन सकते हाँ देखिए वो आप उस पर आइए अभी उस पर मैं आ रहा हूँ प्योरली विवेदिक बेस्ड है ठीक है इसको मैंने खत्म कर लेता हूँ फिर उस कॉम्बिनेशन में आऊंगा अच्छा तो ये तो हो गया सिंपल है इसमें तो कुछ है नहीं इसको चेन में या धागे में अब आमंत्रित करके पहनना होगा अगर कभी किसी को जरूरत होगी तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है और क्या रहता है सर तो एक क्वेश्चन आ रहा दिमाग में हाँ बोलिए

केपी में भी मान लीजिए वो सिक्स एर्थ ट्वेल्थ वगैरह को सिग्निफाई कर रहा है तो अपने दशा दशा पीरियड में अगर वो नुकसान दे रहा है तो वो फंक्शनल मेलेफिक हो गया तो उसका स्टोन वगैरह आपको नहीं पहनना है टू सिक्स टेन एलेवन के सिग्निफिकेटर हैं दे आर स्ट्रॉन्ग फॉर यू उसको क्रॉस चेक कर लीजिए वैदिक से फंक्शनल मेलीफिक तो वहां नहीं है फंक्शनल मेलेफिक नहीं है तो उसका आप स्टोन पहन लीजिए स्टोन पहन लीजिए या ये वाला पहन, ये कवच पहन पेंडेंट पहन लीजिए कुछ पहन लीजिए देखिए पहनने में नुकसान हो सकता है या चैरिटी करने में कभी नुकसान नहीं होगा प्लीज रिमेम्बर जेमस्टोन नुकसान करेगा अगर वो आपने गलत पहन लिया लेकिन इफ इन डाउट डोंट वेयर इट मत पहनिए पूजा करना शुरू कर दीजिए मंत्र जाप करना शुरू कर If if in doubt, don't wear it. Unless and until you consult. If you you consult, consult are not sure, better somebody. दूसरा फिर मुहूर्त की बात आप कर रहे थे तो ये एक किताब है ये किताब आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेगी ये देखिए एक ये है किताब इसमें आता है ना दिक्कत है अच्छा अभी फुल स्क्रीन में जाऊंगा तब कोशिश करूंगा दिखा ये ये पढ़ने में आ रहा है क्या यस सर ज्योतिष और काल काल निर्णय ज्योतिष और कारण ऑथर हाँ, का नाम नोट कर लीजिए किताब का नाम नोट कर लीजिए ज्योतिष और काल निर्णय ऑथर का नाम है वेरी एस्ट्रोलॉजर तांत्रिक बहुत बड़े श्री नारायण दत्त श्रीमाली ठीक है श्री नारायण दत्त श्रीमाली ये हमारे गुरु रह चुके हैं इनकी ऑटोग्राफ की हुई किताब दी है हमको इन्होंने ऑटोग्राफ करके गिफ्टेड दिस बुक टू मी oh, ये ये दुनिया में एक अकेली किताब है जिसमें काल का ज्ञान है काल यानी कि मुहूर्त का अच्छा मुहूर्त का मुहूर्त का ज्ञान इसमें है और इसमें तीन सौ पैंसठ दिन के मुहूर्त इसमें है पंडित जो लोग मुहूर्त निकाल करते हैं वो नहीं है तीन सौ पैंसठ दिन कोई आपको कुछ अगर कल कुछ करना है जैसे कल मान लीजिए आप किसी काम के लिए जाना किस टाइम पे जाए आप वो सारा कुछ इसमें मिलेगा काल का ज्ञान इसके पीछे कहानी भी बता देता हूं इसमें लिखी भी हुई है अगर आप लोगों ने रामायण सीरियल देखा है काल का ज्ञान सिर्फ रावण को था Correct. सिर्फ रावण के पास काल का ज्ञान था तो रावण का वध जब राम जी ने किया एंड वेन ही वॉज डाइंग देन राम जी ने कहा कि ये काल का ज्ञान तो ये अपने साथ ले जाएगा ये फिर दुनिया में पास ऑन नहीं हो तो उन्होंने लक्ष्मण को बोला कि जाओ और उसको का लेकर मांग करके ले के आओ तो लक्ष्मण वाज वेरी एरोगेंट गया तो पहले रावण ही वाज डाइंग बट ही डेंट रिस्पॉन्ड तो फिर राम जी डांटे उसको कि तुम उसके पैर उसको खड़े होकर के एरोगेंटली मांगो तब थोड़ी देगा है anyway, नहीं तो काल का ज्ञान रावण ने दिया और it was passed on अभी भी काल का ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा इस किताब के अलावा ये गुरुजी हमारे बहुत पहुंचे हुए जो हैं सिद्धि योगी थे ये उनकी भी लिखी हुई किताब है ये भी आपको तो देख लीजिएगा सर लेखक का नाम क्या है सर सॉरी बताओ नारायण दत्त श्रीमाली his name is in the Guinness Book of World Records he is a very famous, अब नहीं है he is no more तो so, he is one of my gurus ऑकल्ट वर्ल्ड के गुरु हैं तंत्र मंत्र एस्ट्रोलॉजी के तो कृष्ण मूर्ति जी हैं और वी के चौधरी हैं ये हमारे ऑकल्ट वर्ल्ड के तंत्र मंत्र वगैरह उस साइड के ये गुरु हैं बहुत ज्ञानी पुरुष थे ही इज आल्सो मोर नाउ तो ये मुहूर्त के लिए बहुत अच्छी किताब है और मुहूर्त निकालने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ वो थोड़ा सा टीडियस है बट दैट इज हाउ वी डू इट जैसे ये कवच अगर हमसे कोई बोलता है ये किस किसी ने बोला कि हमको ये बना के हमको दे दीजिए तो उसको पहनने का टाइम पहनने का टाइम जो होता है ना वो निकालना अपने आप में एक वो है पहनने का टाइम कैसे निकालेंगे देख एक मिनट अभी आप लोगों के सामने कोई स्क्रीन खुली थी क्या नहीं खुली होगी नहीं सर अभी खुली क्या कोई स्क्रीन नहीं सर नहीं, नहीं पूरा नहीं चल रहा है सर ठीक है बता रहे हैं अभी देख पा रहे हैं यस सर देखिए सपोज आपको कोई भी शुभ काम करना है मान लीजिए कल करना है या किसी भी कि कोई आपसे पूछते है भाई हमको कोई भी गाड़ी खरीदनी है हमको गृह प्रवेश करना है कुछ भी हमको काम करना है कब करें क्या, कौन सा या ये पेंडेंट जो अभी मैंने दिखाया ये जब मैं पहनने को किसे बोलता हूँ तो मैं कैसे उसका शुभ टाइम निकालता हूँ यू हैव टू चूज अ डे यू हैव टू चूज अ डे और उसमें देखें कि किस रोज तो आपको मुहूर्त मिलेगा ही नहीं मुहूर्त ऐसा होना चाहिए जबकि प्रेफरेबली मिथुन लग्न हो क्योंकि तो मिथुन लग्न में क्या होता है कोई भी फंक्शनल नहीं होता। प्रेफरेबली मिथुन लग्न हो और वो भी अगर छ आठ और बारह में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ हो तो आइडियल होता है वो अभी तो जैसे ये किसी की मिथुन लग्न कुंडली आप लोग बताने के लिए हमने खोल लिया इसमें मार्स मंगल बैठा हुआ है ठीक है बट कई बार क्या होता है ना महीनों आपको अच्छा टाइम नहीं मिलेगा तो इसमें बेस्ट पॉसिबल अभी जैसे ये मंगल बैठा हुआ है इसमें इसमें देखिए अभी और आठ में कोई नहीं बैठा है सपोज दिस इज अ प्रश्न चार्ट ये तो किसी के हॉरोस्कोप है तो मार्स कितने डिग्री का है सत्रह डिग्री का है मार्स अठारह डिग्री का है कुछ दिनों के बाद मार्स निकल जाएगा यहाँ से कुछ दिनों के बाद यहाँ और नो सॉरी दिस इज द सेकंड हाउस ये सिक्स एथ और ट्वेल्थ तो नहीं तो so सपोज ये प्रश्न चार्ट है सपोज ये प्रश्न चार्ट इस मोमेंट का है तो ये एक आइडियल मुहूर्त है ये लग्न जो है ना ये लग्न एक ऐसी लग्न है जबकि कोई भी फंक्शनल मेलिफिक प्लैनेट इसको इम्पैक्ट नहीं कर रहा है इसमें हमको क्या देखना होता है राहु केतु अगर किसी को इम्पैक्ट कर रहा है राहु केतु का कंजंक्शन देखिए इसमें राहु केतु 1645 है किसके किसके साथ बैठा है मरकरी और Venus के साथ सन मरकरी तो सन 18 है मरकरी 10 है सन और वीनस और मरकरी को केतु अफ्लिक्ट कर रहा है तो वी कैन वेट सन तो निकल जाएगा दो चार दिन में दूर हो जाएगा थोड़ा सा वीनस में टाइम लगेगा बट हमें बेस्ट पॉसिबल वो बोलेगा भाई हमारे पास टाइम नहीं है चार पांच दिन में हमको ये काम करना है तो उस बीच में फिर आप बेस्ट पॉसिबल जो है ना कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग किसी दिन का निकाल के जस्ट बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन होता वो उसको बताइए कि इस टाइम में ये काम कर लो आइडियल तो आपको मिलने में कई बार यू हैव टू वेट फॉर मंथ्स टुगेदर जो कवच भी हम लोग पेंडेंट बना करके देते हैं उसको भी पहनाने के लिए टाइम निकाल लें कई बार महीनों निकल जाते हैं बट किसी को अर्जेंसी ये काम की स्पेशली बीमारी वगैरह में जब हम प्रिस्क्राइब करते हैं कोई बहुत बीमार है क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ भाई डॉक्टर ने बोला फिफ्टी 50 फिफ्टी -50 तो उसमें हेल्प करने के लिए अगर हम बनाए तो उसमें वी कांट वेट फॉर अ हंड्रेड परसेंट मुहूर्त टू कम आर वे सो उसमें बेस्ट पॉसिबल जो है ना ऑप्शन निकाल करके टाइम ढूंढ करके हम एक कॉम्बिनेशन बता देते हैं कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में पहनना है एक यहाँ हमारे बीच में है पार्टिसिपेंट्स हमने बना करके दिया था तो इसी प्रकार से हमने टाइम निकाल करके दिए कई बार और टाइम होता है बीच में मिडनाइट का टाइम हो जाएगा पहनने के लिए बट वही टाइम है उसको धारण करने का वही टाइम है तभी वो इफेक्ट करेगा अगर उसको गलत टाइम में पहन लिया गया या बेस्ट पॉसिबल टाइम में नहीं तो उसका इम्पेक्ट कम हो जाएगा वो फिर काम नहीं करेगा देखिए ऐसा है रेमेडियल मेजर्स तो साइंटिफिक बेसिस तो खैर है ही है और बहुत आस्था का सवाल है आस्था का सवाल है तो दिस इज इट कैसे मुहूर्त निकालते हैं शुभम जी आप हमसे पूछ रहे थे दो, दो तरीके मैंने आपको बता दिए हम तो हम लोग इसी तरीके से निकालते हैं दिस इज हाउ वी द मुहूर्त कुछ भी अगर शुभ काम करना होता है जैसे मैंने अपना भी जब गृह प्रवेश किया था इस घर में तो पंडित जी ने बताया वो तो बताया लेकिन फिर भी टाइम मैंने जो है ना अपने हिसाब से कैलकुलेट करके पूजा करवाई थी सर हम ऐसा नहीं कर सकते कि जब जब लाइक सपोज करो गृह प्रवेश करना है हमने तो फोर्थ हाउस के देख लिए और उस दिन देखिए मून किस दिन उस नक्षत्र में जा रहा है। नहीं 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 कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं इसका तरीका ही यही है वो अब देखिए ये पंडित लोग करते हैं हम आई एम नॉट डिस्ट्रस्टिंग और लेकिन हम लोग अपना ये रिसर्च किया हुआ तरीका है ये हमारे गुरु जी जो थे वी के चौधरी उनका रिसर्च किया हुआ तरीका एंड दिस आप देखिएगा उनकी किताबें वी के चौधरी की ये आप जब मुझसे वेदिक एस्ट्रोलॉजी अगर कोई पढ़ना चाहेगा तो सब इसमें उसमें बताया बताए उनकी किताबें पढ़िए इसमें एक है कोई किताब उसमें नाम मैं भूल रहा हूं अभी उसका उसमें रेमेडियल मेजर्स एंड समथिंग करके है वी के चौधरी की किताब तो उसमें ये सारा कुछ उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है तो बेसिकली सिक्स से ट्वेल्व में कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए और राहु तो कोशिश कीजिए कई बार जो तो ऐसा है ना सैटन और जुपिटर तो सालों रहेंगे ना hmm. लेकिन उस समय लग्न चुनिए लग्न हर एक लग्न में तो सैटन और वो उसमें लग्न जो बेस्ट पॉसिबल देखिए आठ दस दिन के अंदर आपको बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन आइडियल परफेक्ट तो शायद कई बार महीनों नहीं मिलता है आइडियल परफेक्ट और वो भी अगर कोई है भी मान लीजिए प्लेनेट ट्वेल्थ सिक्स एट में तो कोशिश कीजिए फंक्शनल मैलिफिक ना हो फंक्शनल ना हो और फंक्शनल बेनिफिक हो मिड पॉइंट से मिड पॉइंट इसमें किसको कहते हैं जो ये जो लग्न की जो डिग्री होती है ना तो ये दो डिग्री छत्तीस मिनट है तो ये दो डिग्री छत्तीस मिनट लंग की मोस्ट इफेक्टिव कंसीडर्ड टू बी दोस्ट इफेक्टिव पॉइंट ऑफ ऑल हाउसेस उसके आस पास पांच डिग्री इधर उधर कोई प्लेनेट ना बैठा हो फंक्शनल बेनिफिक बैठा है तो बहुत अच्छी बात है वो फायदा करेगा फंक्शनल मेलेफिक अगर मिड एम पे बैठ जाएगा तो उस हाउस का वो बेड़ा गर्क कर, कर देता है और आप केपी में भी देखिएगा वीक प्लैनेट्स जो हैं लॉन्गिट्यूडनली जो दो डिग्री एक डिग्री तीन डिग्री का या उन्तीस डिग्री तीस डिग्री उन्तीस डिग्री का है वो रिजल्ट अच्छे नहीं देता है लाइक like हमारे हॉरोस्कोप में मेरे टेंथ हाउस का लॉर्ड प्रोफेशन का सैटन है ट्वेंटी नाइन डिग्रीज का है मून टेंथ हाउस में बैठा है ट्वेंटी नाइन डिग्रीज का है ठीक है टॉरस लग्न के लिए वो जबकि सैटन योग कारक ग्रह लेकिन इट हैज नॉट गिवन मी गुड रिजल्ट नाई दर हैज मून बिकॉज दे आर ट्वेंटी नाइन डिग्रीज सो दैट इज हाउ आई कंबाइंड सिस्टम्स अप्रोच ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड के बी ये उपाय जो हमने बताए हैं ये बड़े इफेक्टिव उपाय हैं और इनको कीजिए इसमें किसी भी पंडित की आवश्यकता नहीं है आप खुद बता सकते हैं हाँ वो जो पेंडेंट बनाना होगा वो आप अभिमंत्रित नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसकी आपको ट्रेनिंग नहीं है ठीक है वो जो जानता है करना वही कर सकता है और बाकी अंगूठी वगैरह जेम स्टोन्स पहनने में कोई दिक्कत नहीं उसमें कुछ खास करना नहीं होता है मंत्र का जाप करने में कुछ खास करना नहीं होता है एंड ऑल दीज रेमेडियल मेजर्स आफ्टर मॉर्निंग टेकिंग मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग नॉट अर्ली मॉर्निंग बाथ सुबह सिर्फ एक सूर्य को जल चढ़ाने का जो टाइम होता है वो छ से साढ़े छः के बीच छः दस से साढ़े छः के बीच में होता है दैट यू दे हैव टू डू आफ्टर बाथ अगर वो नहीं करेंगे तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव नहीं होता है सर सूर्य को जल वाला रेमेडी काम करता है सर ना अगर आपको एक अच्छा ज्योतिष बनना है तो सूर्य अच्छा होना बहुत जरूरी है, है। सूर्य तो उच्च का है लेकिन बारहवें भाव में लेकिन बारहवा भाव, भाव भी तो एस्ट्रोलॉजी का अच्छा ही हाँ अगर अच्छा नहीं है तो सूर्य को जरूर चढ़ाना चाहिए मेरा सूरज अच्छा है तेजी आपका तो हम लोग जितने लोग बैठे हैं सब में सब <laughs> आप, आप खुद भी साक्षात सूर्य सूर्य का एक <laughs> सबसे, सबसे, अच्छा सबसे <laughs> अच्छा साउंड हॉरोस्कोप आप ही का है हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं एंड पर हॉरोस्कोप इज द वीकेस्ट बट ओनली रेमेडियल मेजर्स के दम पे और वीनस के दम पे मेरा सब कुछ चल रहा है तो यू कान कंपेयर टू जर्नी सर आप उनको पढ़ा रहे हो आप ये देखिए ना आप आप देखे ना, आपका, देखे वो बड़ा देखे बड़ा है। आप एक एक, एक देखे। चीज याद रखिएगा एस्ट्रोलॉजी हाँ, वही पढ़ा सकता है जो अदरवाइज जो है ना उसका भाई आठवां घर बारवा घर नौवा घर पहला घर आप बता दो इसमें केपी में कौन सा घर अच्छा है कौन सा अच्छा माना जा सकता कौन सा माना केतु कौन सा घर अच्छा माना जाता है इसमें यही लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ा सकते हैं हाँ पैसा वो कमाएगा जिसका दो एस्ट्रोलॉजी जिसका दो छह दस ग्यारह भी साथ में स्ट्रॉन्ग है पैसा वही इसमें बहुत पैसा आजकल सर एस्ट्रोलॉजी में सर बहुत पैसा है वो आप अगर आप सही उसको यूज करो थोड़ा सा हाँ तो सही, सही करोगे तब पैसा है नहीं है गलत करोगे तब पैसा है नहीं सर वो तरीका है सर कैसे पहुंचना है <laughs>